गाइज, इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसमें आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि यू कैन नॉट सेंड मैसेज फॉर 3 डेज। इसका मतलब यही गाइज कि आप 3 दिन तक अपने किसी भी मैसेज को, चाहे जो भी मैसेज हो, चाहे आपका प्राइवेट मैसेज ही ना हो, आप 3 दिन तक किसी भी मैसेज को नहीं सेंड कर सकते। तो इससे कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे हम हट सकते हैं, यानी कि निकल सकते हैं, साथ में ये प्रॉब्लम क्यों आती है, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या तरीका अपना सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं और ये भी बताने वाला हूं कैसे इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूं प्रॉब्लम क्यों आती है आप सभी को। देखिए गाइस, इंस्टाग्राम अकाउंट अभी तक क्या होता था कि कोई भी प्राइवेसी नहीं रखता था, लेकिन जैसे जैसे माहौल बदलता जा रहा है, क्योंकि ये देख रहा है कि ज्यादातर जो इंडिया में बैन होने की दिक्कत है, ये इसी से है, प्राइवेसी को लेकर। जो जैसे टिकटॉक जो बैन हुआ है, उसके अंदर कोई प्राइवेसी नहीं थी, चाहे जो भी इमेज सेंड करो, चाहे जैसे वीडियो बनाओ, चाहे जिस तरीके की वीडियो बनाओ, कोई भी प्राइवेसी सिक्योरिटी नहीं थी। आप वीडियो चाहे जैसे बनाते रहें, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती थी और आपकी वीडियो वायरल भी हो जाती थी और उसमें कोई आपके ऊपर क्लेम भी नहीं करता था। लेकिन जब इंडिया गवर्नमेंट की जब उस पर नजर पड़ी, तो ऑटोमेटिक उसको बैन कर दिया, यानी कि उसको इंडिया से ही हटा दिया हमेशा के लिए। फिलहाल अभी टिकटॉक तो चल रहा है काफी सारी कंट्री में, लेकिन इंडिया में बैन हो गया है। तो उसी तरह गाइस, अब सभी लोग सतर्क हो गए हैं, जितने भी एप्लीकेशन डेवलपर हैं, सभी को यही आता है कि क्यों ना प्राइवेसी दी जाए, क्योंकि प्राइवेसी नहीं रहेगी तो इंडिया में काफी सारे एप्लीकेशन बैन हो जाएंगे और बैन भी हो रहे हैं। तो गाइस, ये जो 3 डेज का ऑप्शन है, इसको अभी कुछ ही महीनों पहले, यानी कि अभी 1 साल लगभग हो रहे हैं, इसको स्टार्ट किया गया है। इससे ये मतलब निकलेगा, जब आप अपने मैसेज की स्पीड को बहुत ज्यादा कर देंगे, यानी कि आप एक साथ 10-15 लोगों के साथ चैटिंग कर रहे हैं और किसी भी मैसेज को बार बार सेंड कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर आप मतलब कि चाहे तो दूसरों के साथ फेक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। और इन सब दिक्कतों को, यानी कि फेक मैसेज ज्यादा दूर तक न फैले, उन सभी दिक्कतों को रोकने के लिए ये एक्सट्रीम लगाया गया, यानी कि एक रूल्स लगाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है यू कैन नॉट सेंड मैसेज फॉर 3 डेज। जब आप किसी भी पर्सन को ज्यादा मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, जब आपके अकाउंट के ऊपर इंस्टाग्राम की नजर पड़ती है, तो ऑटोमेटिक ये ऑप्शन लगा दिया जाता है, आपके ऊपर सिक्योरिटी लगा दी जाती है 3 डेज के लिए। हमेशा के लिए बैन नहीं किया जाता आपके अकाउंट को, 3 डेज के लिए आपके मैसेजिंग सिस्टम को रोक दिया जाता है। और इससे हम कैसे बच सकते हैं, कोई सोल्यूशन ज्यादा नहीं है, ये सिर्फ आप 3 डेज वेट करके ही अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरे अकाउंट बनाकर उसमें मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी अकाउंट पर ये वाला ऑप्शन आ गया है, उस अकाउंट पर 3 डेज आपको वेट ही करना होगा, और ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है, आपका अकाउंट बैन नहीं होने वाला है। केवल आप मैसेज की स्पीड को थोड़ा कम कर दीजिए। कई ऐसी प्राइवेसी फोटो होती है, कई ऐसे गैम्बलिंग फोटो होती है जो आप भेजते हैं, लेकिन आपको कोई पता नहीं होता कि इस फोटो से हुआ है। तो आप खुद ही जानते होंगे कौन सी फोटो गैम्बलिंग होती है, कौन सी फोटो यानी कि बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, तो उन सभी फोटो को आप सेंड करना बंद कर दें। ऑटोमेटिक आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको कुछ समझ में आया हो, कोई भी कंफ्यूजन अगर हो अभी भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन निकाल कर दूंगा फिर से। और इसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है, ये 3 डेज आपको लेकिन वेट ही करना होगा, क्योंकि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। आप बहुत सारी वीडियो देख रहे होंगे, कोई वीडियो देखने का फायदा नहीं है, केवल आप 3 डेज वेट करिए। अगर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनल काम हो तो मैसेज करने के लिए, तो आप दूसरा अकाउंट बनाकर उससे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन इस अकाउंट पर आपको 3 डेज वेट ही करना होगा। तो गाइस, इसीलिए मैं सोचा कि इस वीडियो को बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे तरीकों को ढूंढ रहे हैं, काफी सारे वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं, 3 डेज आपको वेट करना है। ज्यादा पर्सनल मैसेज करना हो तो आप नया अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, उसी से आप काम करिए। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई तो इसमें, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।